स्वागत आप सभी का फिर से कर मेरे YouTube चैनल पर। आज के वीडियो में हम जानेंगे आर्मेचर रिएक्शन के बारे में। आर्मेचर रिएक्शन क्या है, कैसे काम करते हैं, मैं सब कुछ बताऊंगा इस वीडियो में। तो पूरा वीडियो स्टार्ट से लेकर अंत तक जरूर देखना। देखो, आर्मेचर रिएक्शन डीसी मशीन एसी मशीन दोनों में होता है, ठीक है। अब आज के वीडियो हम सिर्फ डीसी मशीन के बारे में बात करेंगे, क्योंकि मेरे चैनल पर सिर्फ डीसी मशीन के ही वीडियोस है, ठीक है। अब डीसी मशीन में मोटर आता है, जनरेटर आता है, लेकिन मेरे चैनल पर सिर्फ डीसी जनरेटर का वीडियो, इसीलिए मैं आर्मेचर रिएक्शन डीसी जनरेटर का ही बताऊंगा, ठीक है। लेकिन धीरे धीरे मैं डीसी मोटर का भी बताऊंगा, धीरे धीरे होगा सब कुछ। आज के वीडियो में मैं सिर्फ डीसी जनरेटर का आर्मेचर रिएक्शन के बारे में बात करूंगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं। देखो, यहाँ पर एक फील्ड है और एक आर्मेचर है। सबसे पहले मैं क्या करूँगा, इस फील्ड को मैं दिखाऊँगा। फील्ड से आपको पता है फील्ड में क्या होता है, नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ एक फ्लक्स फ्लो करता है। अभी ये मान लेते हैं केस वन, अभी केस वन में आर्मेचर में कोई फ्लक्स नहीं है, क्योंकि आर्मेचर से कोई हम मतलब लोड नहीं लगाया है आर्मेचर में, ठीक है। आर्मेचर में कोई भी करंट फ्लो नहीं हो रहा है, इसलिए आर्मेचर में कोई भी फ्लक्स क्रिएट नहीं हुआ है, ठीक है। अभी फील्ड का फ्लक्स मैं सिर्फ दिखा रहा हूँ, जिससे आपको आसानी से समझ में आ सके, ठीक है। अब फील्ड का फ्लक्स नॉर्थ से साउथ की तरफ जा रहा है, एकदम सीधा बराबर, इसको कोई भी डिस्टर्ब नहीं कर रहा, ठीक है। अब यह है केस वन। अब केस टू देखते हैं, ठीक है। मैंने क्या किया, केस टू में मैंने क्या किया है, फील्ड को फ्लक्स को मैंने हटा दिया, जिससे मैं आपको आसानी से समझ सकूँ। फील्ड को फ्लक्स को हटा दिया मैंने। अब ये जो आर्मेचर है, देखो यहाँ पर एक क्रॉस है, एक डॉट है, एक क्रॉस है, एक डॉट है। अब क्रॉस का मतलब है इनवर्ट करंट और डॉट का मतलब आउट ऑफ करंट। मतलब उससे पहले मैं बताना चाहता हूँ कि आर्मेचर में एकदम बीच बराबर जीएनए और एमएनए रहता है। जीएनए होता है जियोमेट्रिकल न्यूट्रल एक्सिस और एमएनए होता है मैग्नेटिकल न्यूट्रल एक्सिस। अब ये दोनों बीच में, आर्मेचर के बीच में जो फ्लक्स होता है वो फ्लक्स बिल्कुल जीरो होता है, ठीक है। अब एमएनए के बराबर कार्बन ब्रश भी रहता है, ठीक है। अब हम मान लेते हैं आर्मेचर में मैंने लोड लगा दिया, जैसे ही लोड लगा दिया आर्मेचर में करंट फ्लो होगा। अब जैसे ही करंट फ्लो होगा फ्लक्स भी क्रिएट होगा। अब ये जो क्रॉस का जो फ्लक्स है वो फ्लक्स का डायरेक्शन क्लॉकवाइज है। अब डॉटेड का जो फ्लक्स है उस फ्लक्स का डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज है। मतलब ये जो क्रॉस का जो फ्लक्स है नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा है और ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है, ऐसे ही ये घूम रहा है, ठीक है। और डॉटेड का जो फ्लक्स है ये फ्लक्स भी क्या हो रहा है नीचे से ऊपर की जा आ रहा है और ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है। तो मेन फ्लक्स जो होता है वो बीच में से नीचे की तरफ आ रहा है, मतलब आर्मेचर का जो फ्लक्स है वो नीचे की तरफ आ रहा है, दोनों साइड से ही नीचे की तरफ आ रहा है, ठीक है। बीच में इसका फ्लक्स जीरो है, लेकिन दोनों तरफ का फ्लक्स जो है वो मेनली नीचे की तरफ आ रहा है। तो अब दोनों को एक साथ देखें तो पहले केस में हमने क्या देखा, फ्लक्स जो था फील्ड कॉइल का वो फ्लक्स नॉर्थ से साउथ की तरफ जा रहा था, मतलब लेफ्ट से राइट की तरफ जा रहा था, एकदम सीधा, ठीक है। और आर्मेचर में हमने क्या देखा, इसका फ्लक्स जो है ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा था। अगर हम दोनों को एक साथ लगाए तो क्या होगा, पहले कंडीशन में हमने जो देखा था फील्ड का जो फ्लक्स है वो एकदम स्ट्रेट बराबर फ्लो कर रहा था, मतलब सीधा जा रहा था। जैसे ही आर्मेचर में फ्लक्स क्रिएट हुआ, आर्मेचर का फ्लक्स क्या कर रहा है, वो जो फील्ड का फ्लक्स है उसे ऑपोज कर रहा है या फिर डिस्टर्ब कर रहा है, आप बोल रहे हो, ठीक है। पूरी तरीके से ऑपोज नहीं कर रहा, लेकिन ऑपोज तो कर रहा है और इसे फ्लो करने में भी मतलब रोक रहा है। रोकने के कारण ये जो फील्ड का फ्लक्स है ये थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा होकर फ्लो करता है, मतलब इसे तो नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ फ्लो तो करना ही है। अब अगर बीच में आप कोई डिस्टर्ब कर देगा तब क्या होगा, ये टेढ़ा मेढ़ा होकर फ्लो करता है। एक तरफ देखो ऊपर उठ गया है और एक तरफ नीचे, मतलब नीचे झुक गया है, ऐसे ये फ्लक्स फ्लो करता है आर्मेचर के अंदर से। अब इसी के कारण क्या होता है, ये जो जीएनए और एमएनए जो मैंने बताया था, जीएनए तो बीच बराबर रहता है, लेकिन एमएनए जो है मैग्नेटिकल न्यूट्रल एक्सिस, इसी के कारण ये एमएनए थोड़ा सा स्लाइडली राउंड के ऊपर घूम जाता है। मतलब जनरेटर जिस डायरेक्शन में घूम रहा था उसी डायरेक्शन में एमएनए थोड़ा सा घूम जाता है। घूमने के कारण कम्यूटेटर से और ब्रश के बीच में एक स्पार्किंग क्रिएट होता है। ये स्पार्किंग का हीट बहुत ज़्यादा होता है। अगर स्पार्किंग बहुत ज़्यादा टाइम तक ऐसे स्पार्किंग होता रहेगा तब क्या होगा, ये जो कम्यूटेटर का जो सेगमेंट है ये सेगमेंट गल सकता है, गलने के कारण मोटर में शॉर्ट सर्किट भी हो सकता है, ठीक है। इसीलिए इसको रिड्यूस करना पड़ता है। आप रिड्यूस भी कर सकते हैं और एक काम कर सकते हो, आप जो कार्बन ब्रश है उसे स्लाइडली घुमाकर जिस डायरेक्शन में जनरेटर घूम रहा है उसी डायरेक्शन में स्लाइडली आप कार्बन ब्रश को थोड़ा सा घुमा देने पर
ये जो MNA है, MNA के बराबर अगर कार्बन ब्रश आ जाएगा तो क्या होगा, कम्यूटेटर और ब्रश के बीच में जो स्पार्किंग हो रहा है वो स्पार्किंग रिड्यूस हो जाएगा। अब यही है आर्मेचर रिएक्शन। आर्मेचर और फील्ड कॉइल के बीच में जो रिएक्शन हो रहा है, मतलब आर्मेचर का फ्लक्स जो फील्ड फ्लक्स को जो डिस्टर्ब कर रहा है उसी को आर्मेचर रिएक्शन कहते हैं, ठीक है। और ये आर्मेचर रिएक्शन अच्छा है या बुरा है, आप में ये सवाल आपको कर रहा हो, तो कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर कमेंट करना कि आर्मेचर रिएक्शन बुरा है या अच्छा है। अगर बुरा है तो क्यों बुरा है वो भी बोलना। मैं थोड़ा बता देता हूँ, आर्मेचर रिएक्शन की वजह से देखो MNA तो थोड़ा घट जाता है, घूम जाता है, थोड़ा घूमने के कारण स्पार्किंग क्रिएट हो रहा है, लेकिन और एक चीज़ होता है जो टर्मिनल वोल्टेज है वो वोल्टेज थोड़ा ड्रॉप होता है, ठीक है। अब इस आर्मेचर रिएक्शन को रिड्यूस कैसे करते हैं, न्यूट्रलाइज कैसे करते हैं वो भी मैं बताऊंगा, लेकिन इस वीडियो में नहीं, ये वीडियो बहुत लंबा खिंच जाएगा, इसलिए मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि आर्मेचर रिएक्शन को कैसे रिड्यूस कर सकें और स्पार्किंग को कैसे कैसे कम कर सकें, मैं सब कुछ बताऊंगा, ठीक है। अगर इस वीडियो को देखकर अगर थोड़ा सा भी आपका नॉलेज हो तो भाई प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दो, अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि मैं ऐसे वीडियो बनाता रहता हूँ। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहे, सतर्क रहे।